बिकरू कांड आपको याद होगा, कानपुर देहात के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की रात को हुई इस घटना को शायद ही कोई भूल पाए। गैंगस्टर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, इसमें डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अब इस मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 30 आरोपियों में से 7 को दोषमुक्त कर दिया है। 23 आरोपियों को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया गया है। इन्हें 10-10 साल की सजा भी सुनाई गई है, साथ ही प्रत्येक पर 50,000 का जुर्माना भी लगा है। बचाव पक्षी वकील पवनेश शुक्ला ने इस बारे में इंडिया टुडे से बात की, बताया कि गैंगस्टर कोर्ट ने जिन लोगों को दोषमुक्त किया है उनके नाम राजेंद्र मिश्रा, प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू, अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी, बाल गोविंद, संजू उर्फ संजय, सुशील और रमेश चंद्र हैं। पवनेश शुक्ला ने साफ किया कि ये सुनवाई केवल गैंगस्टर केस में हुई है। बिकरू कांड वाले मामले में इन सभी 30 लोगों पर अभी केस चल रहा है। बिकरू कांड में क्या हुआ था ये भी आपको बता देते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर देहात के चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में रहता था। 2 जुलाई 2020 की रात को सीओ बिलहौर देवेंद्र मिश्रा ने सर्किल फोर्स के साथ उसे अरेस्ट करने के लिए दबिश दी। इस दबिश की सूचना विकास दुबे को पहले ही मिल गई थी। उसके शूटर जाल बिछाकर पुलिस का इंतजार करने लगे। पुलिस के गांव में एंट्री करते ही छतों पर मौजूद विकास दुबे और उसके शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस दौरान पुलिस टीम के कुछ सदस्यों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। इस हत्याकांड ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिला दिया था। राज्य के डीजीपी से लेकर कानपुर में तैनात रहे एसएसपी दिनेश कुमार और आईजी मोहित अग्रवाल एक्शन में आए। कुछ रोज बाद 10 जुलाई को विकास दुबे को कथित मुठभेड़ में मार गिराया गया। उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया था। पुलिस ने कहा था कि दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चलाई। ऐसे में आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें विकास दुबे मारा गया। कुछ रोज बाद ही विकास दुबे गैंग के 5 सदस्यों को भी एनकाउंटर में मार गिराया गया। 45 आरोपियों को जेल भेजा गया जिसमें अभी भी करीब 40 आरोपी जेल में बंद हैं। अब तक बिकरू कांड में विकास दुबे और उसके गैंग के सदस्यों और सहयोगियों सहित 91 लोगों के खिलाफ 79 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।